अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है दशहरा। 60 फीट के बुराई के प्रतीक रावण के साथ 50-50 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले जलेंगे शुक्रवार को। जी हाँ, हमें जिस घड़ी का इंतजार था वह आ पहुंची है। शुक्रवार की रात राम करेंगे रावण का वध, वह भी 60 फीट के रावण का, साथ ही जलेंगे कुंभकर्ण व मेघनाथ। रावण वध को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एनसीसी मैदान में रावण का पुतला खड़ा कर दिया गया है। हम आपको बता दें, रावण के पुतला दहन को लेकर कुछ संशय के बादल जरूर छा गए थे, जिसे प्रशासन ने सूझबूझ से टाल दिए। इस मौके पर विंद के मशहूर कलाकार जिसान ने रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप देने के साथ ही व्यापक रूप से दशनी आतिशबाजी की तैयारी कर रखी है। वहीं विजयदशमी उत्सव समिति लगातार 35 सालों से परंपरागत तरीके से दशहरा उत्सव मनाने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रही है। इस बार आयोजन एक के बजाय दो दिन का रखा जा रहा है। हम आपको बता दें, एनसीसी मैदान के पहले रावणबाग स्टेडियम में हुआ करता था, वहां मैदान बनने के बाद वह जगह एनसीसी मैदान में बदल गई। अब इस जगह भी रावणबाग के लिए संकट के बादल छा रहे हैं। आइए तैयारियों में लगे लोगों से बातचीत करते हैं। किसान पाली वालों द्वारा निर्मित किया गया है। कितने फुट का रावण है? ये 60 फुट का लगभग रावण है और इसके साथ दो पुतले और हैं, जो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ है। ये कितने फुट जितनी लंबाई है? 50 फुट के लगभग दोनों की। और जिसान पाली वालों के द्वारा ही आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा गया है। कितने लोग खींच रहे रावण का? मजाक थोड़ी ना है।